हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता ही है कि यह बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है। इसके अलावा आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स में आप जय श्री राम लिख कर आप ये अभिव्यक्त करें कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और प्रभु जय श्री राम बोलने से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको आज का राशिफल बताने जा रही हूँ। और आज का मैं पहले आपको दिनांक बता देती हूँ। आज 15 जून है और 2018 है, फ्राइडे है। मूलांक आज बना है 6, भाग्यांक 5 बना है। मूलांक 6 है जिसका कि स्वामी शुक्र ग्रह है, और भाग्यांक 5 है जिसका कि स्वामी बुध ग्रह है। दोनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं, और इसलिए जो बच्चे इस अवधि में आज जन्म लेंगे उनका जो भाग्य है बहुत ही चमकने वाला है, बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे वो। नक्षत्र आर्द्रा है। सूर्योदयकालीन समय की मैं बात कर रही हूँ, जो कि 5:30 मॉर्निंग के आसपास होता है भारतीय समय के हिसाब से। और 11:21 से पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जो बच्चे 11:21 से पहले जन्म लेंगे उनका जन्मकालिक दशा राहु की रहेगी, और जो बच्चे इसके बाद जन्म लेंगे या मतलब 11:21 के बाद से दिन के जन्म लेंगे, तो ऐसे बच्चों के जीवन में जो प्रारंभिक दशा होगी वो बृहस्पति ग्रह की होगी। आज जो योग बना है वो वृद्धि नामक योग बना है, और वृद्धि नामक योग बहुत अच्छा होता है शुभ कार्यों के लिए। वृद्धि योग में कभी भी भूल कर भी आपको कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है वृद्धि, तो वृद्धि को प्राप्त होता है ऐसा किया हुआ कार्य। कोई घर का सामान बेचने नहीं जाना चाहिए, गोल्ड इत्यादि बेचने नहीं जाना चाहिए। ऐसी अवधि में आप शुभ कार्य कर सकते हैं, कार्य अच्छे चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे कि दिनों दिन आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो और ऐसे और मौके आपके जीवन में आए जब आप लग्जरियस चीज़ें खरीद सकें। तिथि द्वितीया है। द्वितीया तिथि की स्वामी माँ गौरी है, और ये बहुत ही शुभ तिथि मानी गई है। और इसके अलावा जो करण है वो बालव नामक करण है। चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे, और सूर्य का मिथुन राशि में परिवर्तन हो रहा है 11:37 पर, लेकिन सुबह प्रातःकाल 5:30 पे वो वृषभ में ही रहेंगे, तो उसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से मिथुन संक्रांति प्रारंभ होगी। संपूर्ण दिन जो पाया है वो रहेगा रजत का पाया रहेगा, और जो नामाक्षर बना है बच्चों का वो रहेगा ड और छ। और 11:21 पर जब नामाक्षर होगा बच्चों का, तो उसमें आपको के को और है ये नाम रखने उचित रहेंगे और शुभ रहेंगे। और नक्षत्र मैंने जैसा आपको बताया कि आर्द्रा नक्षत्र है, और 11:21 पर पुनर्वसु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो थी कुछ खास जानकारी जो मैंने आपको पंचांग संबंधी दी। आइए अब हम बात करते हैं ग्रहों की स्थिति की। सूर्योदयकालीन ग्रह स्थिति की मैं बात बता रही हूँ आपको यहाँ पर। और सूर्यदेव वृषभ में है, बुध और चंद्रमा की युति मिथुन में है, फिर चेंज हो जाएंगे, मिथुन से कर्क में आ जाएंगे बाद में, लेकिन संपूर्ण दिन मिथुन राशि में ही रहेंगे चंद्रमा। और शुक्र और राहु जो हैं वो कर्क में शोभायमान हैं। बृहस्पति की शोभा बढ़ रही है सिंह राशि, सॉरी तुला राशि में, और धनु राशि में शनि का वर्चस्व है, और मंगल और केतु का दंगल और उग्रता और उच्चता प्राप्त हो रही है मंगल को यहाँ पर मकर राशि में। तो ये है ग्रहों की बात जो मैंने आपको बताई, ग्रहों की जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपका राशिफल प्रारंभ करती हूँ, जो कि लग्न पर बेस है, तो लग्न पर ही आप इसको देखें। मेष लग्न, मेष लग्न के लिए दिन अनुकूल बना है, सभी रुके हुए काम बनेंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे आज सक्सेस मिलेगी उसमें, कोई ना कोई नवीन सौदेबाजी होगी बिजनेस को लेकर। इसके अलावा जो बच्चे अपने एडमिशन के लिए सोच रहे हैं आज उनको मनोनुकूल जगह पर अपना एडमिशन मिल जाएगा। वृषभ, वृषभ के लिए धन वृद्धि के योग बने हैं, धन का आगमन होगा, जीवन साथी के सहयोग से धनार्जन करेंगे। मिथुन, मिथुन लग्न के लिए अच्छा समय बना है, और पूरे दिन कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखेंगे किसी न किसी कार्य में, और कुल मिला के सफलता को आज प्राप्त करेंगे। वाणी से लाभ है, गायक जो गायक हैं उनको लाभ है, जो गार्डनिंग वगैरह का काम करते हैं, प्लांट नर्सरी का काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत लाभप्रद स्थिति बनी है। मैं बात करती हूँ कर्क की। स्वास्थ्य का पाया थोड़ा बाधित हो सकता है,
गले में, बॉडी में और पैरों में दर्द हो सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा विश्राम करें, थोड़ा कार्यों को गति में थोड़ा स्लो हो जाएं और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें तो दिन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रेस्ट करना पड़ेगा। सिंह, सिंह के लिए सफलता के योग बने हैं और जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, मित्र काम आएंगे और किसी भी प्रकार का जो भी रुकावट अब तक बनी हुई थी उसके हिसाब से बेटर रहेगा टाइम। कन्या, कन्या को अपने राजकाज में सफलता मिलेगी, नौकरी बिजनेस से संबंधित क्षेत्र में लाभ मिलेगा और आपके कार्यों की सब तरफ प्रशंसा होगी। तुला, तुला की भाग्य वृद्धि होगी, धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है। वृश्चिक, वृश्चिक के लिए थोड़ा स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना है, मन उदास होगा, किसी बात से खिन्न होगा, मन के हिसाब से वो काम हो नहीं पाएगा और उसको लेके मन में परेशानी बढ़ेगी, लेकिन थोड़े एक दिन में ही स्थिति सही हो जाएगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। अब हम बात करते हैं धनु की। जीवन साथी के साथ कुछ उथल पुथल मचेगी, जीवन साथी क्या कहेगा या क्या कहेगी और आप उसका क्या जवाब देंगे और इसी उठापटक में पूरा दिन निकल जाएगा। मकर, मकर के लिए अच्छा योग बना है लेकिन फिर भी क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता होगी और क्रोध इतना आएगा कि घर के लोगों को हिला के रख देंगे पूरा, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, ये नहीं कि चीखने चिल्लाने से सारा काम होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुंभ के लिए संतान संबंधी किसी समस्या का निवारण होगा। मीन, मीन के लिए स्वास्थ्य का पाया कमजोर बना है, मन उदास होगा, जो हार्ट पेशेंट है उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बीपी वगैरह फ्लक्चुएट करेगा, तो ये थोड़ी सी जो स्थिति है मैंने आपको बताई आपके राशि जो कि लग्न के लग्न पर आधारित है और इसको आप एक मार्गदर्शक के रूप में लीजिए। ये संपूर्ण रूप से अपने कार्यों को फोकस करिए, ये नहीं कि इस सब सारे काम छोड़कर आप इस पर डिपेंड हो जाएं, ये सिर्फ आपको एक दिशा निर्देश के लिए तैयार किया जाता है और मैं चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहन बहुत लाइफ में तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, धार्मिक आस्था बनाए रखें, ढकोसलों से दूर रहें और हर व्यक्ति से प्यार करें, मानवीय भावना को विकसित करें, देश का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें और इसी भावना से प्रेषित होकर मैं आज यही कामना करती हूँ कि आपका जो दिन है पूरा मंगलमय हो और आपके सारे दुख और विघ्न दूर हो जाएं। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, यदि आपको पसंद आए तो जो मैंने आपको बात कही है उसको फॉलो करना, जय श्री राम जरूर कमेंट में देना। थैंक यू सो मच, जय जय श्री राम।